रिश्तों का कत्ल। छोटे भाई की बीवी पर बुरी नजर रखता था बड़ा भाई। अकेला पाकर करता था छेड़छाड़। गुस्से में आकर छोटे भाई और पिता ने मिलकर बड़ी बेटी को मारने की सुपारी दे दी। बता दें कि 12 जून को थाना एचवाड़ा कम्बोज क्षेत्र के गांव मढ़ावली रसूलपुर रोड पर पुलिया के नीचे एक शव मिला था, जिसकी पहचान रविंद्र पुत्र विजय निवासी चंद्रवार थाना असमोली जनपद संभल के रूप में हुई। घटना को त्वरित खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम गठित की गई। इस हत्याकांड के आरोपी 6 लोगों को गिरफ्तार किया। संभल जिले में एक व्यक्ति ने अपने सगे बड़े भाई की हत्या कराने के लिए 2 लाख की सुपारी दी और हत्या करने के बाद शव को रसूलपुर रोड पुलिया के नीचे छुपा दिया। घटना के कुछ दिन बाद जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो शव दंग रह गए। बताया जा रहा है कि मृतक अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखता था, जिसे तंग आकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अमरोहा के रहने वाले नारायण और राजीव की हत्या 2 लाख में ड्रिल की थी। मृतक रविंदर अपने पूरे परिवार को प्रताड़ित करता था, आए दिन शराब पीने का आदि था। इस पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी चक्रेश मिश्रा ने घटना का खुलासा किया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या है पूरे मामले सर? 12 जून के दिन थाना एचौड़ा कम्बू के अंतर्गत मड़ावली रसूलपुर रोड पर पुलिया के नीचे एक युवक जिसका नाम रविंदर है, इसका शव बरामद हुआ था। पास में इसकी मोटरसाइकिल मिली थी। प्रथम दृष्टया जो एक्सीडेंट का मामला प्रतीत हो रहा था, बाद में जब इसमें गहनता से छानबीन की गई तो इसमें आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विजय जो इस मृतक का पिता है, गजेंद्र जो इसका भाई है, धर्मपाल, नेत्राम, नारायण और राजीव। इस तरह से ये 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम इस तरह का था कि इसमें जो इसका पिता है, इसके द्वारा बताया गया पूछताछ के दौरान कि जो मृतक है वो अपने छोटे भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि रखता था, उसके साथ अश्लील हरकत करता था, जिसकी वजह से इन पिता और उसके भाई ने मिलकर ये प्लान बनाया और इन्होंने इस मर्डर के लिए अमरोहा के रहने वाले नारायण और राजीव, इन दोनों को इसकी सुपारी दी, जिसमें 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी। कुछ पैसा पहले दिया गया था और कुछ पैसा बाद में देने की बात थी। इन दोनों के द्वारा इस युवक का गला घोंटकर इसकी हत्या की गई और बाद में एक्सीडेंट का रूप दिखाते हुए इसको पुलिया के पास फेंका गया। इस कार्य में इनकी सहायता धर्मपाल और नेत्राम ने की। ये दोनों जो युवक का पिता है उसके दोस्त हैं। इस प्रकार से इस घटना का खुलासा करते हुए जो घटना में प्रयुक्त सामान था उसको भी बरामद किया गया और इन 6 लोगों को माननीय न्यायालय भेजा। सर, में कितने रुपए की बात सामने आई थी? कुल 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी युवक जो मृतक है उसके पिता की। मृतक शादीशुदा था? मृतक भी शादीशुदा है, उसका एक बच्चा। सर, इसमें बाइक का जो इस्तेमाल किया हुआ है, बताया आपने कि एक्सीडेंट का रूप देने के लिए, तो उसमें किसकी बाइक सामने आई है? बाइक किसकी है उसका हम लोग गहराई से छानबीन करा रहे हैं। थैंक यू।